जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जगह जगह विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। पचमठा में भक्तों ने भगवान हनुमान को 1 टन के लड्डू का भोग लगाया, जो कि सभी जगह चर्चा का केंद्र रहा। गौरतलब है कि संस्कारधानी जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हर साल भक्त भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाने के लिए विशेष तैयारी करते हैं। इस साल 1 टन का लड्डू भगवान हनुमान को अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना भगवान से मांगी। अपना ये पचमठा मंदिर है, हर साल पिछले साल की जगह इस साल भी अपना 1 टन का लड्डू तैयार हुआ है। इसमें अपना सामग्री लगती है 65 टन तेल, 3.5 कुंटल दाल चने की, और क्या बोलते हैं 6 कुंटल शक्कर और 15 किलो ड्राई फ्रूट वगैरह लगता है, उससे जो निर्मित होता है। इसमें अपने कार्यकर्ता भी यहाँ के सहयोग करते हैं और हमारे मतलब हलवाई लड़के भी 12-15 लेकर उन लोग सहयोग करते हैं, उससे तैयार होता है लड्डू। नाम बताया? हमारा नाम बबलू हलवाई। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।